हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीए एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जनरल कंपाउंड पार्ट बी। इस क्लास में अपन ने इसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं उसके बारे में कुछ एग्जांपल को लेकर डिस्कस किया था। आज आपके लिए और कुछ एग्जांपल में लेके आया हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपको कोई भी कंपाउंड है उसका नेम बताते ही आपको क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है आपका अमोनियम फॉस्फेट, इसके बाद करेंगे अमोनियम फॉस्फेट। तो यहां से देखो अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, NH4। अमोनियम का फॉर्मूला क्या है, लिखा मैंने आपको अमोनियम। और दूसरा पार्ट है आपका फॉस्फेट, अमोनियम फॉर्मूला होता है NH4+, फॉस्फेट का होता है PO4-3। देख लो आप PO4-3 इज आर क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ऑब्टेन NH4 का होल थ्राइस और PO4 का होल 1 या प्लस 1, देन वी गेट NH4 होल थ्राइस PO4। दिस इज द अमोनियम फॉस्फेट। क्या है बेटा, अमोनियम फॉस्फेट। आगे देखिए, सेकेंड इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, रिटर्न मर्क्यूरिक एंड क्लोराइड। मर्क्यूरिक मीन्स Hg+2, क्लोराइड मीन्स Cl-, देन Hg1 Cl2, देन ऑब्टेन HgCl2। दिस इज द मर्क्यूरिक क्लोराइड, दिस इज द मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट वन फेरस सल्फेट, इसकी बात करेंगे फेरस सल्फेट, एफ फेरस और ये हो गया आपका सल्फेट। फेरस मीन्स Fe+2, सल्फेट मीन्स SO4-2, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe2 SO4 2, देन ऑब्टेन Fe2 SO4 का होल ट्वाइस एंड वी ऑब्टेन सिंपल रेशो Fe SO4, दैट इज फेरस सल्फेट। क्या आएगा बेटा, फेरस सल्फेट। जब इस तरह से आपके पास में ऐसे नंबर हो जो सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो सकते हैं तो उसको अपन कन्वर्ट करेंगे, नहीं होते तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम नाइट्रेट, इसकी बात करेंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg+2 नाइट्रेट NO3-, क्रॉस मल्टीप्लाई Mg1 और NO3-2, देन ऑब्टेन MgNO3 का होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस। क्लियर। नेक्स्ट वन फेरस सल्फाइट, इसकी बात करेंगे बेटा फेरस सल्फाइट, फेरस सल्फाइट, फेरस सल्फाइट का देख लो FeRrOs फेरस सल्फाइट, Fe+2 सल्फाइट SO3-2, राइट, देन वी ऑब्टेन Fe का होल ट्वाइस SO3 का होल ट्वाइस, देन सिंपल रेशियो जाएंगे तो अपने पास हो जाएगा Fe SO3। और अगर इसकी जगह होता आपका सल्फाइड तो फॉर्मूला बनता आपका FeS, क्या बनता FeS। क्लियर। लास्ट वन आपका बेरियम सल्फेट, इसकी बात करेंगे बेरियम सल्फेट, इट इज द कैटायन पार्ट बेरियम, एनायन पार्ट सल्फेट। बेरियम मीन्स Ba+2, सल्फेट मीन्स SO4-2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई Ba2 SO4 2, कैंसिल आउट, देन ऑब्टेन Ba SO4, दैट इज द बेरियम सल्फेट। नाउ
we learned about the formation of general compound by the help of cation and anion, right? अपन example पढ़े, आपको homework के लिए मैंने part A, part B दोनों में ही क्या दे रखा है, आपको questions दे रखे हैं, उन compounds को आप form करना, कोई doubt हो तो पूछना, I hope आपको doubt नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको completely explain हुई होगी, आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।